हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलर्नम। स्वागत है आपका इलर्नम पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे पीएचडी अपॉर्चुनिटी की, खासकर उन लोगों के लिए जिनका नेट गेट क्लियर नहीं हुआ है। ये पीएचडी अपॉर्चुनिटी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये पीएचडी एडमिशन एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए है। ठीक है, कौन कौन एरियाज में? इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस क्रोनिक डिजीज, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हुए आते हैं, तो इसमें एमएससी, आप किसी भी ब्रांच में अगर आपकी एमएससी है तो आप एलिजिबल, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साथ साथ एमटेक, एमबीबीएस, एम फार्मा या इंटीग्रेटेड एमएससी भी है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका 10+2 यानी 12th में, और साथ ही साथ बैचलर डिग्री और 10th में दोनों में 60% होना चाहिए, और उसके बाद एमएससी में 55%। ठीक है, तो मतलब कि 12th और बैचलर्स लेवल पे जो भी आपकी डिग्री है उसमें 67% होना चाहिए, और जो एमएससी में है आपका परसेंट 55% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन की बात है, 5% रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के लिए, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए 5% रिलैक्सेशन है, मतलब 5% कम है इनका तो तब भी चलेगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग में, मतलब कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपने फाइनल डिग्री के लिए, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन सेम 15% फॉर एससी, 7.5% एससी और 27% फॉर ओबीसी। ओके, और साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी है 10% रिजर्वेशन। देन मूविंग ऑन, कैसे आपका एडमिशन होगा? तो एनआईआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए दो मोड से आप एडमिशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल वन, इसमें एनआईआई अपना खुद एक कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा, कब? 26 फरवरी 2023 को। ठीक है, और दूसरा है कि इस एग्जाम JEE BILS के थ्रू भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप दो तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं, चैनल टू और चैनल वन, जिसमें एनआईआई खुद अपना एक एग्जामिनेशन कराएगा। ठीक है, उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे इस 15 अप्रैल तक आ जाएगी, और इंटरव्यू 6 to 13 June तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो एफिलिएशन होगा आपका जेएनयू दिल्ली के थ्रू होगा। ठीक है, एक बार फिर बात कर लेता हूँ समरी के हिसाब से। तो पीएचडी के लिए दो मोड होगा, चैनल वन जिसमें एनआईआई खुद अपना एक कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएगा, और दूसरा है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम इन बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस। ठीक है, उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम की बात करें, पीएचडी प्रोग्राम जो होगा 3 जुलाई से स्टार्ट होगा, और एनआई फेलोशिप भी आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप सेलेक्ट एलिजिबल होते हैं दोनों एग्जाम्स के थ्रू, तो आपको 13,000 पर मिनट मंथ मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास ओन फेलोशिप है तब भी आप उस अपने फेलोशिप से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको रेजिडेंशियल कैंपस, हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपको अप्लाई करना है। आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, इसका लिंक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बात कर लेते हैं फीस की। अगर एप्लीकेशन आप जनरल या ओबीसी के थ्रू हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी 1200 रहेगी, और अगर आप एससी या एसटी के ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 600 रहेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं डेट। तो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से, और आप 20 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई इश्यू आता है तो आप इस मेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात जैसे कर लिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 दिसंबर को उसको स्टार्ट हो चुका है, आप 20 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 7 फरवरी का अवेलेबल होगा, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 26 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। तो एक शॉर्ट समरी के थ्रू मैं बता देता हूँ, पीएचडी प्रोग्राम एनआईआई इम्यूनोलॉजी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में है, जिसका जेआरएफ या गेट क्लियर नहीं है। इसमें एलिजिबिलिटी है एमएससी किसी ब्रांच ऑफ साइंस में, साथ साथ एमटेक। ठीक है, आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू। तो बने रहे हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए।